हाय फ्रेंड, आज मैं आपके इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आप अपने एमआई अकाउंट का पासवर्ड कैसे पता कर सकते हैं। अगर आप अपने एमआई अकाउंट का पासवर्ड भूल गए हैं तो आप उसे कैसे पता कर सकते हैं। आज मैं आपको इसका पूरा ए टू जेड प्रोसेस बताने वाला हूं। अगर आपको भी अपना पासवर्ड पता करना है तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें, तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे। सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा सबसे पहले मिल सके। तो चलिए हमें इसके अपने सेटिंग को ओपन कर लेना है। तो मैं सबसे पहले अपने सेटिंग को ओपन कर लेता हूं। ओपन करने के बाद में यहां पर आपको एमआई अकाउंट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो आपको यहां पर थोड़ा नीचे चले जाना है। नीचे जाने के बाद में आप यहां पर देख सकते हो मेरे फोन में एमआई अकाउंट का ऑप्शन यहां पर आ चुका है। तो आपको इस पर क्लिक कर लेना। क्लिक करने के बाद में यहां पर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहां पर आपको ऊपर की साइड में ऑप्शन मिलता है अकाउंट सिक्योरिटी, तो आपको इस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद में यहां पर आपके सामने ऑप्शन आ जाता है, जैसे रिकवरी फोन, रिकवरी ईमेल, चेंज पासवर्ड। यहां पर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहां पर आपने जो नंबर आपने ये अकाउंट बनाते टाइम दिए थे वो यहां पर आपको देखने को इस प्रकार से मिल जाएंगे। मैं आपको बता देता हूं, यहां पर आपको पीछे के अंक देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आपको अपने पासवर्ड पता करना है तो आपको चेंज पासवर्ड पर क्लिक कर लेना है। तो मैं यहां पर चेंज पासवर्ड पर क्लिक कर लेता हूं। क्लिक करने के बाद में यहां पर मेरे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस सामने आ जाएगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना अकाउंट वेरिफिकेशन करना होता है। यहाँ पर आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर कुछ ओटीपी भेजेगा। यहाँ पर आपको ओटीपी को फिल कर देना है। तो मैं यहाँ पर सेंड पर क्लिक कर देता हूँ। ओटीपी तभी आएगा जब आपके फ़ोन में वही सिम डली होगी। यहाँ पर मेरे रजिस्ट्रेशन नंबर पर कुछ ओटीपी भेजा जाएगा। यहाँ पर मेरे फ़ोन में ओटीपी आ गया है। तो मैं यहाँ पर ओटीपी फिल कर देता हूँ, 74 39 32। तो मैं यहाँ पर ओटीपी फिल कर देता हूँ। ओटीपी फिल करने के बाद में यहाँ पर आपको सबमिट पर क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर मेरा फ़ोन नंबर वेरीफाई हो गया है। यहाँ पर आपके सामने न्यू पासवर्ड का ऑप्शन आ गया है। यहाँ पर आपको कुछ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यहाँ पर बना लेने हैं। तो मैं यहाँ पर कुछ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बना लेता हूँ, उसके बाद में मैं आपको बता देता हूँ। तो मैं यहाँ पर स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बना लेता हूँ, फिर दोबारा उसे कन्फर्म कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पर कन्फर्म कर देता हूँ। कन्फर्म करने के बाद में मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा। कंफर्म करने के बाद में यहां पर आपको ओके पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद में यहां पर मेरा पासवर्ड सक्सेसफुली चेंज हो चुका है। अब आप जब भी अपना अकाउंट किसी और मोबाइल में लॉगिन करोगे तो या आप यहां पर उस पासवर्ड को डाल सकते हो। फ्रेंड, आप सिंपल तरीके से अपने पासवर्ड पता कर सकते हो और चेंज कर सकते हो। फ्रेंड, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा सबसे पहले मिल सके। और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। फ्रेंड, धन्यवाद हमारी वीडियो देखने के लिए।